नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इस भव्य समारोह के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इस बीच मोदी विरोधी भी बौखलाए हुए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मोदी विरोधी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। मोदी विरोधियों में एक नाम प्रकाश राज का भी है, जो कि आए दिन प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते ही रहते हैं। तभी तो वो सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का मजाक उड़ाकर कांग्रेस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटका के रहने वाले प्रकाश राज के यहाँ कांग्रेस की सरकार है, जिससे एक्टर की विचारधारा का साफ पता चलता है। एंटी मोदी कहे जाने वाले प्रकाश राज ने एक बार फिर से अपनी बौखलाहट सोशल मीडिया पर जाहिर कर दी। एक बार फिर एक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें पीएम मोदी महाराष्ट्र के नासिक स्थित कालाराम मंदिर में पोछा लगाते दिखाई दे रहे। हाल ही में पीएम मोदी नासिक के कालाराम मंदिर गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर के परिसर में पोछा लगाते हुए पूरे देश को मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए लोगों से अपील की। इस वक्त पीएम मोदी का पोछा लगाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। लेकिन मोदी विरोधी प्रकाश राज को पीएम मोदी का मंदिर में पोछा लगाना कुछ रास नहीं आया और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना जहर उगल दिया। बता दें कि एक्स पर काउ मामा नाम के एक यूजर ने पीएम मोदी की इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था, लेकिन आपको पोछा निचोड़ना होगा नहीं। अब इसी यूजर के पोस्ट को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने पीएम मोदी पर तंज कसा और इसे राजनीति का हिस्सा बता दिया। एक्टर ने एक्स पर लिखा, क्या आप नहीं देख सकते कि वो वोट निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह से प्रकाश राज ने पीएम मोदी पर तंज कसा है, वो लोगों को रास नहीं आया। अब सोशल मीडिया पर एक्टर को ट्रोल किया जा रहा है। प्रकाश राज को आईना दिखाते हुए यूजर्स जमकर उन्हें लताड़ रहे हैं। एक यूजर ने एक्टर की क्लास लगाते हुए लिखा, हिंदू धार्मिक परंपरा का मजाक उड़ाना राइस बैग अब सबसे घटिया बकवास है, कृपया कुछ नया लेकर आए। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, रुको, मेरा येसु येसु कैंसर को ठीक कर सकता है, लेकिन अगर हमारे पीएम स्वच्छता के लिए पहल करते हैं तो आप जैसे चावल के थैले में भी कुछ न कुछ नकारात्मक नजर आता है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, 2024 से 2029 तक आने वाले इन 5 सालों में तेरे जैसे टिड्डे गायब होने वाले। वही एक और यूजर ने लिखा, उन्हें वोट निचोड़ने की जरूरत नहीं, उन्होंने वोट कमाए, चिंता मत करो, 2024 में तुम्हें पोछा भी जाएगा और निचोड़ा भी जाएगा। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ, दोनों में ही तू विलन ही है। वही एक और यूजर ने लिखा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये प्रतीकवाद लोगों को मंदिर सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए, आप समाज सेवा के लिए नहीं पैसे के लिए काम करते हैं, इसलिए आप इस इशारे को नहीं समझेंगे। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, प्रकाश राज अब उन्हें वोट के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं, वो सस्ते वर्ग से नहीं है जिसमें आप आते हैं, काम बोलता है। हमारे सबसे प्रिय प्रिय मोदी जी को आपकी कांग्रेस या अन्य स्थानीय सस्ती दक्षिणी भारत पार्टियों के विपरीत वोटों के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं। तो देखा आपने, पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी करना प्रकाश राज को कितना महंगा पड़ गया। बता दे कि एक्टर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर जहर उगलते ही रहते हैं। कई मौकों पर वो पीएम मोदी के खिलाफ बोलकर अपनी फजीहत करवा चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि प्रकाश राज को न सिर्फ प्रधानमंत्री से दिक्कत है, बल्कि वो सनातन धर्म का भी अपमान कर चुके हैं। एक्टर सनातन धर्म की तुलना डेंगू जैसी बीमारी से कर चुके हैं। हालांकि अपने इस बयान की वजह से भी वो लोगों के निशाने पर आ गए थे। वहीं अब जब पीएम मोदी ने मंदिर में पोछा लगाया तो एक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ और पीएम मोदी के इस नए अभियान को राजनीति का हिस्सा बता दिया। वैसे जिस तरह से प्रकाश राज की सोशल मीडिया पर फजीहत हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।